किसको पता चल जाएगा, चाचा उसी के लहजे में बोला। वो जो अंदर हैं, उसने किचन की दरवाजे की तरफ इशारा किया। छोटे ने डर के मारे ताला हाथ से छोड़ दिया और दरवाजे से दो कदम पीछे हटकर खड़ा हो गया। दरवाजे पर तो ताला है, फिर कोई अंदर कैसे जाएगा, चाचा बोला। वो दरवाजे से नहीं गई, फिर चाचा ने चौंक कर पूछा, वो वहाँ से अंदर गई हैं। चाचा और छोटे ने उसके हाथ के इशारे की तरफ देखा तो हंस पड़े। ओए, वो यहाँ से अंदर गई हैं, कमाल हो गया, चाचा ने रोशनदान की तरफ देखकर हंसते हुए कहा, जिसमें से कोई बच्ची भी मुश्किल से गुजरती और उसकी बातों से लगता था कि वो किसी खातून का जिक्र कर रहा है। हाँ, वो संजीदगी से बोला, तुम उन्हें बताना नहीं कि मैं यहाँ हूँ, अगर उन्हें पता चल गया तो वो भाग जाएंगी। चल नहीं बताते, पर हमारे मिलने पर तो पाबंदी नहीं है। ओ छोटे, ताला खोल, वो बदस्तूर मजाक उड़ाते हुए छोटे से बोला, जिसने ताला तो खोल दिया लेकिन दरवाज़ा भिड़ा रहने दिया, तू इसीलिए छोटा है। चाचा उसके खौफ पर उसे मलामत करता किचन का दरवाज़ा खोलकर अंदर चला गया। छोटा भी खौफजदा होता अंदर आया, फिर वहाँ तो कोई नहीं था। उसने सुख का सांस दिया और चारपाइयाँ बाहर बिछाने लगा। उसने ओट में होकर अंदर झांका, फिर उन्हें ना पाकर वो किचन में आ गया। वो कहाँ चली गई, ओ पाइया, यहाँ कोई नहीं है। नहीं, वो इधर ही थी, मैंने खुद देखा था। वो सड़क क्रॉस करके यहाँ आई, फिर तंदूर पर चढ़कर उन्होंने रोशनदान से अंदर छलांग लगा ली। वो ज़रूर मुझसे छुप रही हैं, उसने कहा, फिर पलेटे उठाकर देखता और गिलास झाड़ता हुआ उन्हें ऐसे तलाश करने लगा जैसे सुई हो। देख, रोशनदान से लगाकर वो अंदर आई थी, अब रोशनदान से छलांग लगाकर बाहर चली गई होंगी। ऐसा कर, तू खुद भी उसे जाकर बाहर ही ढूंढ जा। शाबाश, उसने पिचकार कर कहा। उधर वो भी उनको ना पाकर मायूस हो गया। वो बाहर आकर सड़क पर आंखें घुमा घुमा कर देखता, जैसे अंदाज़ा करने लगा कि वो किधर गई होंगी। फिर एक सिम का तायुन करके वो दौड़ पड़ा। जूते न जाने कब उसके पैरों से निकल गए थे। वैसे भी रात भर जागने के बाद अब उसके जख्मी पांव जूता पहनने के काबिल रहे भी नहीं थे। वो नंगे पांव सड़क पर भागता चला जा रहा था। चाचा, ये कौन था, छोटे ने सवाल किया। पागल था बेचारा, चाचा ने कहकर चारपाई उठाई और बिछाने के लिए बाहर ले आया। रात आफाक के आने के बाद साजिद भी जल्द ही पहुंच गया था। सारी रात वजदान की तलाश जारी रही, दस्तकें होती रहीं, फ़ोन बजते रहे, मगर ला हासिल। इतना तो बता दो आयशा कि आखिर हुआ क्या था, मुस्तफ़ा अजीम के लहजे में भी थकन थी। कितनी बार कहूँ मुस्तफ़ा साहब कि कुछ नहीं हुआ था, वो जब घर आया तो पहले से ही परेशान था, बल्कि तो वो तो कई दिनों से ही मलिहा वाले मामले पर अपसेट था। मुझसे देखा नहीं गया और उससे कहा कि वो मलिहा से शादी कर ले, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। फिर मैं उसके लिए खाना लेने चली गई, वापस आई तो वो गेट से बाहर निकल रहा था, और बस इससे ज़्यादा मुझे कुछ मालूम नहीं। लेकिन आफाक को बहुत कुछ मालूम था, उसने मलिहा के नाम पर उनको देखा, फिर सर झुकाकर नफ़ी में सर हिलाने लगा। अब्बू, मैं सोच रहा था कि हमें अस्पतालों में देख लेना चाहिए, कहीं कोई हादसा ना हो गया हो। कुछ दिन पहले के वाक़े को नज़र में रखते हुए मुजम्मिल ने कहा तो साजिद तायद करने लगा। बिल्कुल ठीक कहा मुजम्मिल भाई, हमें इस इम्कान को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। तो फिर चलें, आफाक उठते हुए बोला, तो बाकी तीनों भी फौरन ही उठ गए। फिर शहर का कोई अस्पताल और क्लिनिक ऐसा नहीं बचा था जहां इन लोगों ने वजदान को तलाश ना किया हो, लेकिन वो कहीं नहीं मिला। घर लौटने पर उनके मायूस चेहरों को देख कर आयशा ने नम आँखों से अपने शौहर को देखते हुए कहा, कमाल है मुस्तफ़ा साहब, जब मैं माँ हूँ फिर भी आप जब से गए हैं मुस्तकिल दुआ कर रही हूँ कि काश मेरे बेटे का एक्सीडेंट हो गया हो, और आप बाप होकर भी बेटे को लिए बगैर आ गए। मुस्तफ़ा अजीम ने उनकी तरफ देखा, फिर नज़र चुराते हुए सर पकड़कर बैठ गए। किसी ख्याल के तहत मुजम्मिल ने अनीखा को मुखातिब किया, अनीखा तुम ज़रा ध्यान से वजदान के कमरे की तलाशी लो, शायद वो अपना कोई सुराख छोड़ गया हो। आपके कह
रहने से पहले ही मैं ये काम कर चुकी हूँ और मुझे उसके कमरे से ऐसी कोई चीज़ नहीं मिली। अलबत्ता, इतना बोलकर वो चुप हुई तो मुजम्मिल फौरन बोला, क्या? वजदान का NIC, उसका ड्राइविंग लाइसेंस और चेक बुक वगैरह सब गायब हैं। मैंने बाकी जगह भी चेक किया है मगर कहीं नहीं मिले। वो जो कहना चाहती थी सब पल में समझ गए। इसका मतलब वजदान अपने ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स और चेक बुक साथ ले गया है, और अगर ऐसा है तो वो जहां भी गया है यकीनन वापसी के इरादे से नहीं गया। साजिद परेशान कुन लहजे में बोला, मुस्तफ़ा अजीम तो कुछ कहने के लायक ही नहीं रहे। और आयशा भी दुपट्टे में मुंह छुपाकर सिसकने लगी। आफाक ने अनीखा से पूछा, उसके इस्तेमाल की चीज़ों में से और क्या गायब है? और कुछ भी नहीं, उसके कपड़े, जूते और बाकी सामान सब अपनी जगह पर है, बल्कि मुझे तो उसका वॉलेट भी उसके बेड के ड्रॉज में रखा मिला था। और तो और, वो मलीहा की तस्वीरें भी घर छोड़ गया है। मलीहा की तस्वीरें? एकदम ही आफाक के लहजे से हैरत भरी आवाज़ निकली। हाँ, अनीखा ने कहा और फिर एक लिफाफा आगे बढ़ाते हुए बोली, ये मुझे वजदान की किताबों में रखा मिला था। आफाक से पहले मुजम्मिल ने वो लिफाफा उसके हाथ से लेकर तस्वीरें निकाली और एक तस्वीर पकड़कर बाकी मुस्तफ़ा अजीम के हाथ में दे दी। साजिद ने उनके हाथ से दो तस्वीरें लेकर एक आफाक को दी और एक खुद देखने लगा। पहली नज़र में ही वो पहचान गया कि ये वही तस्वीरें थी जो वजदान ने उसके कैमरे से खींची थी, मगर उसे तरद्दुद हुआ कि ये कैसे मालूम हो कि यही मलीहा है। आयशा मुस्तफ़ा ने तस्वीरों की तरफ हाथ नहीं बढ़ाए, वो यकीनन ये तस्वीरें पहले ही देख चुकी थी। तुम कैसे कह सकती हो कि ये मलीहा की तस्वीरें हैं? मुस्तफ़ा अजीम ने वो सवाल किया जो सबके जहनों में था। मैं मलीहा से मिल चुकी हूँ, उसने बम फोड़ा। सबके मुंह हैरत से खुल गए। मुजम्मिल ने सरसराते लहजे में पूछा, कब? वो बताने गई जिस दिन वजदान का एक्सीडेंट हुआ था। वो वजदान से मिलने घर आई थी और उसने खुद बताया था कि वो मलीहा फारूकी है। फिर अपना नंबर देकर कहा कि वजदान से कहो कि उसे कॉल कर ले, लेकिन मैंने उससे नंबर लेकर फाड़ दिया। वैसे तो ये बात अब साफ हो चुकी है कि वजदान घर छोड़कर चला गया है। बेदली से मलीहा की तस्वीर टेबल पर डालते मुजम्मिल के लहजे में भी मायूसी थी। मेरा ख्याल है कि अब हमें पुलिस की मदद ले लेनी चाहिए, शायद वो उसे ढूंढ सकें। मुस्तफ़ा अजीम के चेहरे पर वीरानी मुस्तकिल डेरा डाल चुकी थी। वो कमज़ोर से लहजे में किसी को मुखातिब किए बगैर बोले थे। लाउंज में बैठा हर शख्स उनके अंदर की थकन को महसूस करके सर झुका गया। परेशानी से होंठ काटती उनकी आँखें नम हो रही थीं। वजदान से उनकी मोहब्बत किसी से भी ढकी छुपी नहीं थी। उनके लिए सानेहा वाकई बहुत अजीम था। शौहर को नाउम्मीद होते देखकर आयशा की अपनी ताकत भी कमज़ोर पड़ गई थी। उन्होंने अपनी आंखों को छलकने से बाज रखने के लिए कोई कोशिश नहीं की। उनको रोते देखकर मुजम्मिल की अफसरदगी गहरी हो गई। उसे बैक वक्त वजदान पर गुस्सा भी आ रहा था और उसके लिए बड़े भाई की तरह परेशान भी हो रहा था। मुस्तफ़ा अजीम तवील खामोशी के बाद थके हुए लहजे में बोले, तुमने मुझसे मेरा बेटा छीन लिया है आयशा। उन्होंने अपने शौहर की तरफ देखा और बेबसी से बोली, मगर मैं तो इजाज़त दे चुकी थी मुस्तफ़ा साहब, फिर क्यों? बात अधूरी छोड़कर वो आंसू पीने लगी। धड़कने थम जाती हैं, सांसें रुक जाती हैं, मगर वक्त नहीं रुकता। नूरुल हुदा ने सोचा, आज मलीहा का स्वयं भी हो गया। तुम बहुत बड़े वकील हो ना मुनीर हुसैन, एक बात बताओगे? कालीन पर बिछी चांदनी पर बैठे बाबा जान ने अपने सामने बैठे मुनीर हुसैन से सवाल किया। पूछे भाई साहब, वो बोले, अगर कोई शख्स किसी को कत्ल कर दे तो मक्तूल के माँ बाप को यह हक़ होता है कि अगर चाहें तो अपनी औलाद के खातिल को माफ़ कर दें, लेकिन अगर बाप ही अपनी औलाद का खातिल हो तो खून कौन माफ़ करेगा? मुनीर हसन उनके सवाल पर हैरान होते हुए बोले, बच्चे की माँ, और अगर माँ पहले ही मर चुकी हो तो? आप इस तरह की बातें क्यों पूछ रहे हैं भाई साहब? क्योंकि मैं माफ़ी मांगना चाहता हूँ,
लेकिन जिनका गुनहगार हूँ ना मुझ में उनका सामना करने की हिम्मत है और ना ही उनसे माफ़ी मिलने की उम्मीद। मैं जानना चाहता हूँ कि उनके सिवा वो कौन शख्स है जो मुझे माफ़ कर सकता है। एकदम ही उनकी आवाज़ में लर्जिश आ गई और आँख से आंसू बहने लगे। उनकी तरफ देखते हुए नूरुल हुदा ने अपने जबड़े बींच लिए और लाताल्लुक से गर्दन मोड़कर दूसरी तरफ देखने लगे। ऐसा क्या गुनाह कर दिया है आपने? मुनीर हसन हैरत से पूछ रहे थे। बाबा जान ने अपने कांपते होंठों से तवक्कुफ के बाद कहा, मैंने मलिहा को कत्ल किया है। इस इंकशाफ को सुनकर सब मुंह खोले हैरत से उन्हें देखने लगे। आप जानते हैं भाई साहब आप क्या कह रहे हैं? इफ्तखार सरसराती आवाज़ में बोले, हाँ मगर तुम नहीं जानते इफ्तखार कि कैसे मैंने अपनी खुद पसंदी जिद और हट गर्मी का स्लो पॉइजन देकर मलिहा को मार डाला। कैसे अपने फैसले की उल्टी छुरी से उसकी शेरक काटी है। किस तरह अपनी अना के हाथों उसके दिल का गला घोंटा है। एक पल की मौत नहीं दी उसे, पल पल उसके जिस्म से रूह खींची है। तड़पा तड़पा के मारा है उसे, अपनी बेटी को लम्हा लम्हा की अजियत बख्शी है। नूरुल हुदा के लिए उनका एतराफ़ भी नाकाबिले बर्दाश्त था। वो गैर महसूस अंदाज में उठे और बाहर निकल गए। लेकिन क्यों? इफ्तखार हसन हैरत से सवाल कर रहे थे, आखिर मलिहा से क्या गुना सरजद हुआ था? वो बाबा जान तड़प कर बोले, मेरी बेटी मासूम थी इफ्तखार हसन, उसके नामाए आमाल में कोई गुनाह दर्ज नहीं। हाँ मगर मैंने मोहब्बत को उसका गुनाह जाना। मोहब्बत? आमना खाला ने दोहराया, हाँ मोहब्बत, मेरी बेटी ने मोहब्बत की थी। किस से? बाबा जान ने बड़ी मुमानी को देखा और कहा, वजदान मुस्तफ़ा से। क्या? सुमेरा और आफाक के सिवा हर शख्स शॉक्ड रह गया। बेसाख्ता सबकी निगाहों में मलिहा का जनाजा उठाए वजदान का चेहरा घूम गया। मैं मलिहा की शादी नहीं कर रहा था इफ्तखार, बल्कि अपनी बेटी की मौत का वक्त दिन और तारीख तय कर रहा था। उनकी आवाज़ लड़खड़ा गई और वो कांपते लहजे में बोले, और देखो ज़रा, मौत ने एक पल की भी ताखीर नहीं की। फिर वो बुलंद आवाज़ में रोते हुए बेबसी से कहने लगे, मेरी मलिहा को कोई ढूंढ लाए, मैं उसके पैरों पर सर रख कर माफ़ी मांगना चाहता हूँ। इफ्तखार हसन अपना दुख कुछ कम नहीं था, जिसके चेहरे में अपनी मरहुमा बहन का अक्स देखते थे, वो आईना टूट गया था। उन्हें खुद भी मलिहा से बड़ी मोहब्बत थी। वो जब भी बाबा जान को देखते उन्हें उन पर तरस आता। अल्लाह ने कितनी देर से औलाद देकर कितनी जल्दी वापस ले ली थी, मगर अब उनके दिल में बाबा जान के लिए कोई हमदर्दी बाकी नहीं रही थी। वो यूं बेहिसो निगाहों से उन्हें रोते हुए देख रहे थे कि जैसे उनके आगे तमाशा चल रहा हो। किस उम्मीद पर माफ़ी की बात करते हैं भाई साहब? वो सर्द लहजे में बोले, जब आपने अपनी ही बेटी की बेगुनाही नहीं बख्शी तो कोई आपके गुनाह कैसे बख्श सकता है? मुझ में तो इतना ज़र्फ नहीं कि इस बेहिस पर तरस खाऊं जिसने अपनी औलाद पर तरस नहीं खाया। क्या आप में इतना ज़र्फ है कि खुद पर तरस खाएं, खुद को माफ़ कर सकें? बाबा जान ने मुजरमों के अंदाज में सर झुका लिया। जब आप खुद को माफ़ नहीं कर सकते तो बताएं कोई और आपको कैसे माफ़ करेगा? वो रुके, फिर टूटे हुए लहजे में कहने लगे, मैं जानता था आप खुद पसंद हैं, अपनी अना अपनी ज़िद आपको हर चीज़ से प्यारी है, मगर मैं सोचता था आखिर आप मलिहा के बाप हैं, जो कुछ उसके लिए आपके दिल में है किसी के दिल में नहीं हो सकता। मैं कितना सही था, जो संग दिल मलिहा के लिए आप में थी वो और किसी में नहीं। वो बोलकर चुप हो गए तो बाबा जान कहने लगे, रुक क्यों गए इफ्तखार? मरने वाली से तुम्हारा खून का रिश्ता था, कोसो मुझे, ताने दे देकर मार डालो, हाथ उठाओ और बददुआ मांगो मेरे लिए, कोई ऐसी सजा मुंतखब करो जिससे मेरी रूह कांप जाए। सज़ा का इंतखाब हो चुका है भाई साहब, आमना खाला शोला बार निगाहों से उन्हें देख रही थी। अब आप
उम्र भर खुद को कोसेंगे, अपने खाली दामन को फैलाकर खुद को बददुआएं देंगे। आपका नुकसान आपको याद करके आपकी रूह को तड़पाएगा। आपका गुनाह जितना बड़ा है उसके लिए यही मुनासिब है कि आप उम्र भर खुद से माफ़ी की भीख मांगते रहें, उम्र भर खुद को माफ़ ना कर सकें। बाबा जान का चेहरा लट्ठे की मानिंद सफ़ेद पड़ गया। इफ्तखार हसन उठ खड़े हुए तो सब उनकी तकलीद में उठकर जाने लगे। तुम मुझे माफ़ किए बगैर नहीं जा सकते इफ्तखार। वो हवास बाख्ता से उठकर उनके पास आए, और मैं आपको कभी माफ़ नहीं कर सकता। इफ्तखार हसन ने हमेशा उन्हें एहतराम दिया था, उनसे बात करते हुए हमेशा नज़र सर झुका कर रखते थे, मगर आज उनके दिल में बाबा जान का एहतराम ख़त्म हो चुका था। वो बदलिहाजी से बोल कर उनका हाथ झटकते हुए आगे बढ़ गए। रुक जाओ मुनीर हसन, बाबा जान अब उनके बाजू को थाम कर बोले, आप किस रिश्ते से मुझे रोकते हैं भाई साहब? मेरी बहन को गुजरे बरसों बीत गए और आज उसकी बेटी भी मर गई, अब आपका हमसे क्या वास्ता? जाइए भाई साहब, अल्लाह आपको आपके अजाब मुबारक करे। वो सख्ती से उनका हाथ झटक कर बाहर निकल गए, और उनके पीछे मलिहा की मुमानिया, खाला और तमाम कजन्स भी। अब खसरे फारूकी में उनके लिए क्या रखा था? नूरुल हुदा लॉन में टहल रहे थे, उन लोगों को अंदर से निकलकर गाड़ियों में बैठते देखकर वो तेज़ तेज़ चलते हुए पोश में आ गए। इफ्तखार हसन बैठने के लिए दरवाज़ा खोल चुके थे। मामू जान, नूरुल हुदा ने पीछे से आकर दरवाजे पर हाथ रख दिया। इफ्तखार हसन पलट कर उन्हें देखने लगे। बोलो नूरुल हुदा, वैसे लगता तो नहीं कि अब सुनने को कुछ बाकी बचा है? मुजरिम ना होते हुए भी नूरुल हुदा खुद को मुजरिम समझने लगे। उन्होंने सर झुका लिया और सफाई देने के अंदाज में आहिस्ता से बोले, मैं लाए इल्म था मामू जान, जानता हूँ। उनका लहजा थका थका सा था। नूरुल हुदा उनका चेहरा देखकर मुल्तजी अंदाज में बोले, मुझसे अपना रिश्ता मत तोड़िएगा मामू जान, तुमसे मेरा रिश्ता था ही कब? वो अचानक ही शफाक हो गए, और जिससे रिश्ता था वो अब नहीं रही। हाँ मुरव्वत बाकी थी, लेकिन अब मुरव्वत निभाने का हौसला कहाँ से लाऊं? नहीं नूरुल हुदा, अब खसरे फारूकी में मेरे लिए कुछ नहीं बचा, सब ठिकाने लग चुका है। आप बाबा जान से नाराज़ हैं? तुम नहीं हो? उन्होंने पलटकर सवाल किया। हूँ, होंठ दबाकर बोलते वो सर इकरार में हिलाने लगे, लेकिन उन्हें छोड़कर नहीं जा सकता। वो नूरुल हुदा को देखकर रह गए, फिर अल्लाह हाफिज़ कहकर गाड़ी में बैठ गए। नूरुल हुदा दो कदम पीछे हटे और वो गाड़ी निकाल कर ले गए। वो खड़े पोर्च की ज़मीन को घूर रहे थे, फिर उन्हें बाबा जान का ख्याल आया तो अंदर आ गए, मगर उनके कदम एंट्रेंस से आगे ना जा सके। ग्लास वॉल के दूसरी तरफ लाउंज में बाबा जान अपने सर को बाजू में छुपाए बैठे मलिहा को मुखातिब करके कह रहे थे, तुम क्या मुझसे मोड़ कर चली गई? हर कोई मुझसे मुँह मोड़ रहा है, ये कैसी रिवायत डाल गई हो? ये कैसी सज़ा है कि कोई मुझे सज़ा के काबिल भी नहीं समझ? ना सज़ा मिलती है ना माफ़ी, कुफारा कैसे अदा हो? नूरुल हुदा बुत की तरह इस्तादा हो गए, उनके दिल की हालत अजीब हो रही थी। एक तरफ उनका दिल चाह रहा था कि जाकर बाबा जान को गले लगा लें, तो दूसरी तरफ जी चाहता था कि उनसे मुंह फेर कर भाग खड़े हों। एक मोहब्बत आगे को खींच रही थी तो दूसरी पीछे को। वो कश्मकश में उलझ गए, सोच सोच कर उनका दिमाग फटने लगा तो बेरहमी से दिल ही को बाबा जान से मुखातिब करके बोले, फिकर मत करें बाबा जान, मैं आपको सज़ा दूंगा, वही सज़ा जो आपने उम्र भर मलिहा के साथ रवा रखी। और बड़ी बेइतनाई से वो चलते हुए बाबा जान के पास से गुजरकर सीढ़ियां चढ़ने लगे। रोते हुए बाबा जान ने सर उठाकर उन्हें देखा और हैरत से सोचने लगे, बेहिसी की सिफ्त नूरुल हुदा में तो नहीं थी? काश तुमने पहले बता दिया होता आफाक, तो शायद ये सब ना होता। तब भी यही होता ताया अब्बू, आज फूफा जान की जो हालत है वो सिर्फ इसीलिए है कि मलिहा अब इस दुनिया में नहीं, लेकिन अगर वो ज़िंदा होती तो फूफा जान किसी भी कीमत पर वजदान को कबूल नहीं करते। उनकी सख्त तबीयत
को आप सब मुझसे बेहतर जानते हैं, और रह गई मलीहा तो कौन नहीं जानता कि उसे हारने का शौक़ था। जब वो ही हथियार डाल चुकी थी तो आप क्या कर लेते? इफ्तखार हसन जानते थे कि वो सही कह रहा है, इसीलिए चुप से हो गए। लेकिन मुनीर हसन मुतमईन ना हो सके। फिर भी आफाक, तुम्हें बता देना चाहिए था, शायद कोई रास्ता निकल पाता। मलीहा ने कौन सा कई गुजरे का इंतखाब किया था? वो आखिर किस बेस पर वजदान को रिजेक्ट करते? बस एक ज़रा उनकी अना ही तो थी, टूट जाती। आफाक सही कह रहे हैं चाचू, वाकई कोई रास्ता नहीं था। मलीहा कभी भी फूफा जान की मर्ज़ी के बग़ैर वजदान से शादी नहीं करती। वो फूफा जान भी उसकी इस कमज़ोरी से वाकिफ थे, फिर वो भला रजामंदी देते ही क्यों? बल्कि सच तो ये है कि मलीहा इसी कमज़ोरी ने फूफा जान की अना को आसमान पर चढ़ा रखा था। मैं मानती हूँ कि उनका रवैया मलीहा के साथ हमेशा ही नारवा रहा, लेकिन मलीहा ने भी तो कभी पलटकर शिकायत नहीं की, फिर वो क्यों एहसास करते? अब इन बातों का क्या फ़ायदा? जितना जिक्र करोगे इतना ही दिल जलेगा। बस अब ख़त्म करो इस क़िस्से को। छोटी मुमानी के लिए सचमुच ये टॉपिक बहुत तकलीफ दे था, वो झंझला कर बोली। आफाक, मुझे वजदान के पास ले जाओ, ना जाने किस हाल में होगा। इफ्तखार हसन फिक्रमंद से हो गए। आफाक उनकी तरफ देख कर रह गया। ऐसे क्या देख रहे हो? आफाक ने नज़र झुका ली। यही तो नहीं पता चल रहा कि वो किस हाल में है। क्या मतलब? आमना खाला ठटक कर पूछा। वजदान परसों रात से लापता है। क्या कहा? बड़ी मुमानी सहम कर बोली। मैं ठीक कह रहा हूँ, वजदान घर से चला गया है। परसों जब मैं उसे कब्रिस्तान से लेकर आया था तो उसकी दिमागी हालत नॉर्मल नहीं थी, फिर मैंने ही उसे घर ड्रॉप किया। ये सोच कर के कुछ देर आराम करने के बाद उसकी हालत संभल जाएगी, मगर वो घर से चला गया। उसके निकलते ही अंकल और मुजम्मिल भाई उसकी तलाश में लग गए थे, मगर कोई फ़ायदा नहीं हुआ। वो अभी तक लापता है। सब दोस्तों रिश्तेदारों के घर चेक कर लिया, पूरे शहर के अस्पताल देख लिए, लेकिन वो कहीं नहीं मिला। कल मैं और साजिद मुजम्मिल भाई और अंकल के साथ मिलकर सारा दिन उसे सड़कों और पार्कों में तलाश करते रहे हैं। शहर का कोई कोना ऐसा नहीं छोड़ा जहां हमने उसे ना ढूंढा हो। समझ नहीं आता कि उसे ज़मीन निकल गई है या आसमान, कहीं से कोई ख़बर नहीं मिलती। अब तो पुलिस में भी रिपोर्ट करा दी है और सुबह के सब अखबारों में भी उसकी गुमशुदगी का इश्तहार भी छप गया है। दुआ करें कहीं से कोई इत्तला मिल जाए। इस नई इब्तदाद पे सर कोई चुप सा हो गया। या अल्लाह, ये क्या हो रहा है? हर तरफ से बुरी खबरें मिल रही हैं। सुकून तो जैसे अब हमेशा के लिए रुखसत हो गया है। इफ्तखार हसन घबरा कर बोले। मुनीर हसन ने एक नज़र अपने भाई को देखा जो टूट से गए थे, फिर आफाक से तेज़ लहजे में बोले, तुम ये सब आज बता रहे हो? और क्या करता? जो सानहा गुजर चुका वो क्या कम है जो मैं आप सबको और परेशान करता? अच्छा, अब ये बातें छोड़ो, बड़ी मुमानी परेशान से लहजे में बोली, फिर अपने शौहर से कहा, इफ्तखार, हमें वजदान के घर चलना चाहिए। ताई जान, आप वहाँ ना ही जाएं तो बेहतर है। क्यों? वो उसे देखकर बोली, क्योंकि आप बार बार मलीहा का नाम लेकर रोने लगती हैं, और मैंने वजदान के घर वालों को मलीहा से अपने रिश्ते के बारे में कुछ नहीं बताया, और शायद वजदान ने भी ऐसी कोई बात नहीं की, वरना वो ज़रूर जिक्र करते। फिर उन्हें मलीहा के इंतकाल के बारे में भी कोई इत्तला नहीं है। लेकिन तुमने ये सब उनसे क्यों छुपाया, जबकि इसकी ज़रूरत नहीं? मुनीर हसन की बात सुनकर आफाक ने कहा, तो क्या बताता कि मलीहा की मौत के सदमे ने वजदान के दिमाग पर असर किया है? उसने होशमंदी में नहीं बल्कि पागलपन की कैफियत में घर छोड़ा है, ताकि उनके दिलों से रहा सहा इत्मीनान भी रुखसत हो जाए, जैसे मेरे दिल से रुखसत हो गया है। और अब तक तो दर दर भटकता वो सचमुच पागल हो गया होगा, गलत लोगों के दिल में जगह दी। इन दोनों ने तो अपने दिल के आगे किसी और के दिल की परवाह ही नहीं की। आफाक दिल गिरफ्तार सा हो गया। वो चश्मे तसव्वुर से वजदान को खरिया खरिया दीवानों की तरह भटकते देख रहा था।
مغرب کی نماز کے بعد نمازی مسجد سے نکل رہے تھے جب وہ خستہ حال شخص ایک دم کہیں سے آ دھمکا اس کے سر کے بال اور بڑی ہوئی داڑھی میں گر جمی ہوئی تھی کپڑوں کی حالت ابتر ہو رہی تھی ڈھیروں مٹی لیے زخمی پاؤں جوتوں کی خیز سے آزاد تھے وہ یقیناً کوئی دیوانہ ہی تھا جو ایک ایک کو پکڑ کر پوچھ رہا تھا تم نے انہیں دیکھا ہے ابھی ابھی وہ ادھر تھیں نہیں نہیں ادھر نہیں نہیں ادھر ہاں ادھر ہی تھیں پھر پتہ نہیں کدھر گئیں انہیں جاتا دیکھا ہے آپ نے اس نے پہلے مسجد کی سیڑھیوں کی طرف اشارہ کیا پھر فوراً ہی انہیں منع کرتے ہوئے وہ اندر برآمدے کی طرف اشارہ کرنے لگا مگر کسی نے اس پر دھیان نہیں دیا ہر شخص اس سے بچ کر نکلنے کی کوشش میں تھا وہ التجائیں کرنے لگا کوئی تو بتا دے کہ وہ کہاں گئی ہیں کب سے ڈھونڈ رہا ہوں کوئی تو مجھے بھیک میں ان کا دیدار دے دے اپنی فریاد کے رائے گا جانے پر اس نے یک دم ہی سفید کاٹن کے کلف لگے شلوار قمیض میں ملبوس سیاہ رنگت کے موٹے سے آدمی کو دبوچ لیا اس پر جنون سا سوار ہونے لگا موٹے کو جھنجھوڑتے ہوئے وہ چیخنے لگا تو بتا مجھے وہ کہاں ہے بتا میں جانتا ہوں تجھے پتا ہے بول کدھر ہیں وہ وہ پہلے تو اس افتاد پر گھبرا گیا پھر خود کو چھڑا کر حقارت سے زوردار تھپڑ اس کے گال پر جڑ دیا ہر پاگل کہیں کا سارے کپڑوں کا ستیہ ناس کر دیا اور وہ تھپڑ کھا کر گر پڑا تبھی اسے نمازیوں کی بھیڑ کے اندر کسی کی جھلک نظر آئی وہ جھٹکے سے اس کی طرف بڑھا موٹے شخص نے جو اس پاگل کو اٹھ کر اپنی طرف بڑھتے دیکھا تو حواس باختہ سا ہو کر اس نے فوراً جھک کر ایک پتھر اٹھایا اور تاک کر اس کی طرف پھینک دیا اس کے سر سے خون کا فوارہ چھوٹ گیا وہ بس ایک پل کو ماتھے پر ہاتھ رکھ کر دوہرا ہوا تھا پھر بہتے ہوئے خون کی پرواہ نہ کر کے وہ بے اختیار اس کی طرف بڑھا موٹے شخص نے بدستور اسے اپنی جانب آتے دیکھا تو ایک اور پتھر اٹھا کر اسے دے مارا پھر ایک ساتھ کئی پتھر اس نے ہاتھ میں اٹھا لیے اور ایک کے بعد ایک مارنے لگا باقی نمازیوں نے جو ایک پاگل کو اس موٹے آدمی سے بھڑتے دیکھا تو وہ بھی اس پر پل پڑے شرم تو نہیں آتی نمازیوں کو پریشان کرتا ہے ہٹا کنٹا مسٹنڈا ہو کر آوارہ گردی کرتا ہے مسجد جیسی متبرک جگہ پر بھی تیری بدماشی ہے ہر طرف سے ایسے جملے پڑ رہے تھے اور اسی رفتار سے لاتے اور گھونسے بھی مگر وہ خوشبوؤں میں ڈھلے اس پیکر پر نگاہ جمائے اپنا ایک ہاتھ اس کی طرف بڑھاتا بدن کی پوری طاقت لگا کر خود کو ان لوگوں سے چھڑانے کی کوشش کر رہا تھا پر اس کی ایک نہ چلی اسے اتنے سارے لوگوں کے بے رحم شکنجے میں دیکھ کر ان جھیل سی آنکھوں میں طغیانی آ گئی پھر جیسے اس سے برداشت نہ ہو سکا اور وہ اچانک ہی پلٹ کر بھاگنے لگی رک جائیں مت جائیں مجھے چھوڑ کر پھر چلایا اور اپنے ارد گرد موجود لوگوں کو دھکیلنے لگا وہ جب تک چپ کر کے پٹتا رہا لوگ اسے پیٹتے رہے اب جو وہ نے دھکے مار کر خود کو چھڑانے لگا تو سب اسے چھوڑ کر خوف زدہ سے پیچھے ہٹ گئے اور وہ اس کے پیچھے بھاگا جو نظر سے اوجھل ہوتی جا رہی تھی پھر بھاگتے بھاگتے اسے پتھر سے ٹھوکر لگی اور وہ منہ کے بل زمین پر گر پڑا اس کے دانتوں سے خون نکل آیا تھا اس نے سر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا جدھر وہ گئی تھی پھر گھبرا کر چاروں طرف نظر گھمائی لیکن اسے وہ کہیں نظر نہیں آئی بے بسی کے احساس سے اس کی آنکھیں برسنے لگیں اوندھے منہ لیٹے اس نے سر اٹھا کر آسمان کو دیکھا اور کرب سے فریاد کی صورت پکارا یا اللہ لوگ ہنس رہے تھے بچے پاگل پاگل کی صدائیں لگاتے تالیاں بجا رہے تھے اور وہ زمین پر پڑا پوری طاقت سے ایک ہاتھ کا مکہ بنائے زمین کو پیٹ پیٹ کر اپنا ہاتھ زخمی کر رہا تھا دھول اڑا اڑا کر اس کے چہرے پر پڑ رہی تھی اور وہ کرب سے چلاتا جا رہا تھا قریب ہی ایک دکان کے باہر کھڑا شخص اس تماشے سے محظوظ ہوتا اپنے سامنے کھڑے آدمی سے بولا دیکھو یار کیا تماشا چل رہا ہے ارے یہ تو کچھ بھی نہیں ہے ادھر دیکھو اصل تماشے کی خبر تو آج اخبار میں چھپی ہے سنتے آئے تھے کہ لڑکیاں گھروں سے بھاگتی ہیں پر اب تو لڑکے بھی گھر سے بھاگنے لگے ہیں اس نے مطلق دھیان نہ دیتے ہوئے اخبار میں چھپی خوش شکل اور خوش لباس نوجوان کی تصویر اسے دکھائی جس کے نیچے لکھا تھا
नाम वजदान मुस्तफ़ा, वल्द मुस्तफ़ा अजीम, उम्र 25 साल, रंगत सांवली, ख़त 5 फुट 11 इंच, ब्लैक शर्ट और ब्लैक पैंट में मलबूस है और पैरों में बूट पहने हुए है। नाराज़ होकर घर से चला गया है। अगर किसी साहब को वजदान मुस्तफ़ा के बारे में इत्तला हो तो बराए मेहरबानी नीचे दिए गए टेलीफोन नंबर्स पर रابطہ करें। सही इत्तला देने वाले को 1,00,000 रुपये का नकद इनाम दिया जाएगा। उसने अपने साथी से अखबार लेकर बुलंद आवाज में यह खबर पढ़ी और दोनों एक दूसरे के हाथ पर हाथ मारकर हंसने लगे। बाबा जान की पहले भी कोई ख़ास मसरूफियत नहीं थी, बस बुवाई और कुटाई के सीज़न में निगरानी के लिए ज़मीनों पर चले जाते या फिर अगर कोई तनाज़ा खड़ा हो जाता तो उसके हल के लिए उन्हें जाना पड़ता। मुनाफा और अखराजात का भी इंदराज उनका सरदर्द था, मगर जब वो खसरे फारूकी में होते तो वाकई रिटायर्ड लाभ गुजार रहे होते। फराख़त की फरावानी में या तो वो मलिक नासिर के घर पर होते या मलिक नासिर खसरे फारूकी में डेरा डालकर बैठे रहते और दोनों दोस्त जवानी के किस्सों और आर्मी लाइफ की यादों को दोहराते, शतरंज की बिसात पर एक दूसरे को शोए और मात देते रहते। मगर मलिहा के जाने के बाद सब कुछ बदल गया था। ज़मीनों के मामलात में उनकी दिलचस्पी ख़त्म हो गई थी। मुंशी जो चाहे फसल बोता, जिस दाम पे चाहता फसल मंडी में बेच देता, कोई बास पुरस्त ना करते। कितनी बार नूरुल हुदा से भी कहा कि अब वो ज़मीनों के मामलात हैंडल नहीं कर पाते, इसीलिए नूरुल हुदा उनका इंतज़ाम अपने हाथ में ले ले। मगर नूरुल हुदा ने साफ जवाब दे दिया, अगर आपको ज़मीनों के मामला संभाले नहीं जाते तो बेच दें, मुझे अपने बिजनेस से फुर्सत नहीं। और ज़मीनों को बेचना बाबा जान को गवारा नहीं था। खैर, किसी न किसी तरह मामला चलते ही रहे। गो अमलन बाबा जान ने हाथ उठा दिया था और बस अपने कमरे तक महदूद हो गए थे। मलिक नासिर की तरफ जाना भी छोड़ दिया था, लेकिन वो खुद ही आ जाते। मगर अब शतरंज की बिसात नहीं बिछती थी, बस मलिहा का जिक्र होता रहता और मलिहा के जिक्र में खुशी कहाँ थी। उसकी तो पूरी ज़िंदगी बाबा जान का पछतावा बन गई थी और पछतावे का एहसास किसी पल उनका पीछा नहीं छोड़ता था। अब उनके पास मलिहा को याद करके आंसू बहाने के सिवा कोई काम नहीं था। एहसास जुर्म से बेहाल वो बंद कमरे में मलिहा की तस्वीर के आगे चिल्लाया करते थे, मलिहा मेरी जान, अपने बाबा को माफ़ कर दो, मेरे गुनाह बख्श दो बेटा, तरस खाओ अपने बाप पर। वो मलिहा की डायरी को सीने से लगाए रोते जाते। नूरुल हुदा की बेतिनाई उससे सिवा थी। उन्होंने बाबा जान से ना तो कोई झगड़ा किया और ना ही नाराज़गी का इजहार, बस उनसे ला ताल्लुक़ हो गए। बाबा जान की चीखें उनके कानों तक भी पहुँचती, मगर वो कभी दिलासा नहीं देने आए, उल्टा अपनी सर्द मेहरी से उनके एहसास जुर्म को और भी बढ़ाते जाते। उन्होंने बाबा जान को घर में रखे सामान की तरह समझ लिया, कभी उनके कमरे में झांकने की जहमत नहीं की, और अगर कभी बाबा जान ही उनके पास चले आते तो इस तरह नज़रअंदाज करते कि वो कट कर रह जाते। मगर शिकायत कैसे करते, उन्होंने भी तो मलिहा को खुद से करीब नहीं होने दिया था। मलिक नासिर से बर्दाश्त नहीं हो सका तो वो नूरुल हुदा के पास जा पहुँचे। जिस शख्स ने तुम्हें कभी बाप की कमी महसूस नहीं होने दी, उसके साथ तुम ये सलूक कर रहे हो, काट कबाड़ की तरह उसे एक कोने में डाल दिया है। नूरुल हुदा उनके जलाल के जवाब में बेतासुर लहजे में बोले, आप किस सलूक की बात कर रहे हैं मलिक अंकल, मेरी तरफ से बाबा जान के साथ कोई ज़्यादती नहीं हुई। इस घर में उनका जो रुतबा और मकाम कल था वही आज भी है, घर के सारे मुलाजिम उनके हुक्म के पाबंद हैं और मैंने खुद भी उन्हें सख्ती से हिदायत दे रखी है कि बाबा जान के आराम व आसाइश में कोई कमी ना आए। नौकर तुम्हारा नेमुल बदल नहीं हो सकते नूरुल हुदा, क्या तुम्हें खबर भी है अजहर कई दिन से बीमार है, क्या एक बार भी तुम्हें इतनी तौफीक हुई कि जाकर उस बीमार आदमी की खैरियत ही दरियाफ़ कर लो जिसने तुम्हें औलाद की जगह समझा।
बाबा जान बीमार हैं, इस ख्याल से वो अंदर ही अंदर बेचैन हो गए। लेकिन जब बोले तो उनकी आवाज़ हर तासुर से खाली थी। घर में तीन तीन ड्राइवर मौजूद हैं, अगर वो बीमार हैं तो मुझसे कहने की ज़रूरत नहीं, वो ड्राइवर के साथ अस्पताल जा सकते हैं, और अगर ख़ुद ना भी जाना चाहें तो डॉक्टर को फ़ोन करके घर पर बुलवा लें। मलिक नासिर उनकी बेहिसी पर हैरान रह गए। उसकी बीमारी का इलाज डॉक्टर के पास नहीं तुम्हारे पास है, तुम तो अपनी ज़िंदगी में मगन हो गए, लेकिन अजहर को तुम्हारी ज़रूरत है, कभी दो घड़ी के लिए ही सही उनके पास बैठ जाया करो। तन्हाई को झेलना आसान नहीं। तन्हाई, वो जहर खंद होकर बोले, फिर उठे और सोफ़े की बैक पर जाकर दोनों हाथ उसकी पुश्त पर रखते हुए कहने लगे, तन्हाई को झेलना आसान नहीं मलिक अंकल। और मलिहा ने जज्बाती तन्हाई के साथ 9 साल गुजारे हैं बिना शिकायत किए, और बाबा जान चंद महीनों में ही शिकवा करने लगे। मलिक नासिर हक्का बक्का रह गए। तुम एक बाप से उसकी बेटी की मौत का इंतकाम लेना चाहते हो? क्या तुम्हें इसका हक है? मरने वाली अगर मलिहा हो और मारने वाले बाबा जान, तो हादी भाई को हक़ है कि मलिहा की मौत का इंतकाम ले सकें। उनके लहजे में कोई गुंजाइश ना पाकर मलिक नासिर चुप के चुप रह गए। बाद में जब बाबा जान को पता चला तो कहा, नूरुल हुदा से बदगुमान नहीं होना मलिक, उसने मेरे साथ कोई ज़्यादती नहीं की, मैं इसी सलूक का मुस्तहिक हूँ। उसने तो बहुत साफ साफ कह दिया था कि उसे मलिहा के साथ की ज़रूरत नहीं, वो यूँ भी उससे मोहब्बत कर लेगा, मगर मैंने ज़बरदस्ती मलिहा को उसके साथ नथी करना चाहा। वो मलिहा की तकलीफ़ बर्दाश्त नहीं कर सकता था, कहा तो मैंने उसे मलिहा की तकलीफ़ बना दिया। ज़रा सोचो तो मलिक, मेरे हाथों उसका कितना भारी नुकसान हुआ है, फिर वो इतना ज़रफ़ कहाँ से लाए कि मुझे माफ़ कर सके? पछताने से कुछ हासिल नहीं होता, लेकिन पछतावों से दामन छुड़ाना बहुत मुश्किल होता है। सूबह पंजाब के दूर दराज इलाक़े में सरहदी पट्टी के बिल्कुल करीब वाक़े पसमानदा गांव चंगवाली की आबादी महज चंद सौ नफूस पर मुश्तमिल थी। मौलवी अब्दुल खालिक का शुमार इस छोटी सी आबादी के मौजज़ीन में होता था। मौलवी अब्दुल खालिक गांव के मौज़न थे और जमात की इमामत भी उनके फ़राइज़ में शामिल थी। उनके वालिद, जिन्हें गांव वाले अकीकत से बड़े इमाम साहब कहते थे, मौलवी अब्दुल खालिक से पहले वो ही अजान देते थे और नमाज पढ़ाया करते थे। बड़े इमाम साहब दीनदार आदमी थे, लेकिन उन्होंने दुनिया का दामन भी थाम रखा था और बाहुस्न खूबी दीन और दुनिया में तवाज़ुन कायम रखते हुए उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी गुजार दी। अपने बेटे की तरबियत भी उन्होंने इन्हीं खतूत पर की। पेश इमाम की जिम्मेदारी संभालने से पहले वो लाहौर से ग्रेजुएशन कर चुके थे। फिर जब वो अपने वालिद के पीछे नमाज पढ़ाने लगे तो बड़े इमाम साहब ने उन्हें रोज़गार को अपनाने की तरगीब दी। मौलवी अब्दुल खालिक ने घर के ही एक कमरे में दुकान खोल ली। महीने में एक बार दुकान में सामान डालने के लिए वो शहर का चक्कर लगाते। उनकी दुकान में अशियाए खुर्दनोश के अलावा बुनियादी ज़रूरियात ज़िंदगी का सामान भी मौजूद होता, यानी कि एक लिहाज से गांव का जनरल स्टोर कहा जा सकता था। बड़े इमाम साहब का बरसों पहले इंतकाल हो चुका था और अब तो मौलवी अब्दुल खालिक भी बुजुर्गों की उम्र में दाखिल हो चुके थे। मौलवी साहब ने गांव में ही एक लड़की के साथ शादी की थी, मगर अल्लाह ने औलाद की नेमत से महरूम ही रखा। रफीक़ा हाजरा बीबी बाकायद हयात थी और मुल्लानी जी के लखब से ख़ास व आम में मशहूर थी। सालों से मौलवी अब्दुल खाले एक ही लगी बंधी रूटीन के आदि हो गए थे। फजर की अजान से ज़रा पहले, जिस वक्त रात का आखिरी पहल ढल रहा होता, वो नींद से जाग जाते, फिर तहज्जुद की नमाज पढ़कर बीवी को जगाते, गांव की कच्ची गलियों से गुजरकर मस्जिद आ जाते। फिर जब तक फजर की अजान का वक्त होता, मौलवी साहब मस्जिद में झाड़ू लगाकर नमाजियों के लिए सहन में दरियां बिछा चुके होते। नमाज के बाद वो कुछ देर कुरान पाक की तिलावत करते, फिर अपनी दुकान पर उठ आते, जो फिर जोहर की नमाज के लिए बंद हो जाती। नमाज के बाद एक घंटे का दर्स होता, जिसमें बड़े
احکام شریعت کے بجائے چھوٹی چھوٹی عام فہم باتوں کو شامل کیا جاتا، وہ باتیں جن سے انسان کے کردار کا بنیادی ڈھانچہ تشکیل ہوتا ہے۔ بڑے امام صاحب اکثر مولوی عبد الخالق سے کہا کرتے تھے، اصل چیز بنیاد ہی ہے، تو بنیاد مضبوط کیے جا، عمارت اپنے آپ سیدھی اور مضبوط اٹھے گی۔ 10 ختم کر کے مولوی صاحب دکان پر آ بیٹھتے اور پھر عصر کی نماز پڑھا کر گھر لوٹتے تو صحن میں گاؤں کے بچے سپارے اور اسکول کی کتابیں لے کر بیٹھے ان کا انتظار کر رہے ہوتے۔ مولوی صاحب دکان اور گھر کے صحن کا درمیانہ دروازہ کھول دیتے اور دکانداری کے ساتھ ساتھ دین کی تعلیم بھی دیتے۔ یہ سلسلہ مغرب تک چلتا اور پھر عشاء کی نماز کے بعد مسجد میں ہی نمازیوں کی بیٹھک ہوتی، جس میں ہر طرح کے دینی اور دنیاوی مسئلے پر بحث لائے جاتے۔ یہ بیٹھک 1 سے 1.5 گھنٹے میں برخاست ہو جاتی اور لوگ اٹھ کر اپنے گھروں کو سونے چلے جاتے۔ اتنے برسوں میں آج پہلی بار مولوی صاحب کی روٹین میں فرق آیا تھا۔ آج ظہر کے بعد درس کی محفل نہیں ہوئی اور مولوی عبد الخالق نمازیوں سے معذرت کرتے اٹھ آئے اور اب چل چلاتی دھوپ میں وہ گاؤں سے باہر جانے والے راستے پر تیزی سے چل رہے تھے۔ اس تبدیلی کی وجہ یہ تھی کہ 3 دن سے گاؤں والوں میں سے کسی نے سائیں کا چرچا زور پکڑ رہا تھا جو نہ جانے کہاں سے آ گیا تھا اور اب گاؤں کے باہر ڈیرہ ڈال کر بیٹھا تھا۔ گاؤں کے سادہ لوگ سائیں کے آنے سے پرجوش ہو گئے تھے اور اب انہیں سائیں کی کرامات کا انتظار تھا۔ مولوی عبد الخالق نے جو کچے ایمانوں کو ڈولتے دیکھا تو معاملے کی تحقیق کرنا ضروری سمجھا۔ وہ گاؤں سے کافی دور نکل آئے تھے، کچی مٹی کے مکان بہت پیچھے چھوٹ گئے تھے، بلا کی گرمی تھی۔ مولوی صاحب کا حلق پیاس سے خشک ہو گیا تو رک کر سانس بحال کرنے لگے، پھر سامنے سے چہرے پر آیا پسینہ خشک کر کے آنکھوں پر ایک ہاتھ کا چھجا سا بنا کر اپنے سامنے دور تک دیکھا۔ خوش زمین پر ابری لکیریں اور اس کی پیاس کی گواہ تھیں اور ایک سوکھا سا درخت جس کی خوب پھیلی بنجر شاخوں پر کوئی خشک پتا تک نہیں تھا، مردہ زمین کے سینے پر یوں گڑا تھا جیسے وہ خود اپنے ہی حال پر نوحہ کنا ہو۔ دور تک پھیلا نیلا آسمان ایک دم صاف تھا جس پر سورج پیلے رنگ کے تھال کی مانند دہک رہا تھا۔ تا حد نگاہ پھیلے اس منظر کی ویرانی کو اور بھی گہرا کر رہا تھا وہ اکلوتا زیرو جو اس سوکھے درخت پر چھاؤں میں بیٹھا تھا۔ اس کے سیاہ کپڑوں پر مسافتوں کی گرد جمی تھی، سر کے بال لمبے اور گرد آلود تھے، بے ترتیب داڑھی جھاڑ کی مانند لگ رہی تھی۔ اس کا ایک ہاتھ زمین پر بچھی ٹانگ کی ران پر تھا جبکہ دوسرا موڑ کر کھڑکی ہوئی ٹانگ کے گھٹنے پر۔ سر پیچھے تنے سے ٹکا کر آنکھیں بند کیے وہ تپتی زمین پر اتنے سکون سے بیٹھا تھا جیسے صدیوں سے اسی حال میں ہو اور صدیاں اسی عالم میں گزار دے گا۔ اس کے چہرے کے مبہم نقوش سے کرب و اذیت کی عجیب سی کیفیت جھلک رہی تھی۔ مولوی عبد الخالق نے بے ساختہ جھرجھری لی اور اس کی طرف چلنے لگے۔ درخت کے پاس پہنچ کر مولوی صاحب نے کچھ توقع کیا، پھر پکارا بھائی، اور اسے منتظر نگاہوں سے دیکھنے لگے کہ آنکھیں کھول کر ان کی طرف دیکھے گا، مگر اس کی پلکوں میں تو لرزش بھی نہیں ہوئی۔ مولوی صاحب نے دوبارہ اسے مخاطب کیا، کون ہو بھائی، کہاں سے آئے ہو؟ اس نے کوئی جواب نہیں دیا بلکہ ایسے بیٹھا رہا جیسے کوئی آواز سنی ہی نہ ہو۔ مولوی صاحب انتظار کرتے رہے، پھر کہا، یہاں کے تو نہیں لگتے، پھر وہ کیا خواہش ہے جو تمہیں یہاں کھینچ لائی؟ وہ اس کے پرگاندہ لباس پر ایک نظر ڈال کر ہی سمجھ گئے تھے کہ وہ یہاں کا نہیں ہے تو پوچھ لیا۔ وہ آنکھیں کھولے بغیر بولا، بتا بھی دوں تو کیا کر لے گا، جو بھی میرے بس میں ہوا۔ مولوی صاحب اس کے سامنے زمین پر بیٹھتے بولے تو اس نے آنکھیں کھول دیں مگر انہیں نہیں دیکھا اور آسمان پر نظریں جمائے کہنے لگا، ایک مدت خواہش کے پیچھے بھاگا ہوں لیکن اب خواہش سے بھاگتا پھر رہا ہوں، مگر وہ ہیں کہ جان ہی نہیں چھوڑتی۔ پھر اس نے ایک دم مولوی صاحب کو دیکھا، تو کوئی ایسی جگہ جانتا ہے جہاں میں خواہش سے جا چھپوں؟
मौलवी साहब ने उसे तरहम भरी नज़रों से देखते हुए कहा, ओ झलिया, बंदा ख्वाहिश का घर है, ये बाहर खुली नहीं फिरती, अंदर आदमी के छुप के बैठ जाती है और तू अपने अंदर से छुपना चाहता है। अंदर को खुद से खरीब ना समझ, वो तंबी के अंदाज में बोलता उन्हें अपनी सुरख आँखों से घूरने लगा। ये छल देता है, तू देखेगा तो खरीब लगेगा, हाथ बढ़ाएगा तो कुछ हाथ नहीं आएगा। उसने हाथ बढ़ाया, फिर खाली हथेली आसमान की तरफ की और गंभीर आवाज़ में बोला, ये हाथ भर का फासला तो उम्र भर की मुसाफत से ना मिटे, तुझे कैसे मालूम? मौलवी साहब की बात सुननी थी कि उस पर ही जान तारी हो गया। मैं सरपट दौड़ा हूँ इस सफ़र पर, लेकिन मंजिल के बजाय हर कदम पर ठोकर मिली और मैं हर बार मुँह के बल ज़मीन पर गिर पड़ता हूँ। फिर फौरन ही उठकर दौड़ने लगा, मगर एक इंच का फासला भी तय नहीं कर सका। और अब जब मैं इस सफ़र से आजिज आ गया हूँ, तो उसने ख्वाहिश को मेरे पीछे लगा दिया। जहाँ जाता हूँ पास चली आती हैं, लेकिन फिर हाथ भर का फासला नहीं मिटता। उसकी आवाज़ में कसक थी। फिर वो अचानक ही आसमान की तरफ देखकर चिल्लाने लगा, मुकर करता है मेरे साथ, फरेब देता है, कैसा खुदा है तू, बंदे को धोखा देता है, हंसता है मुझ पर, पागल है, पागल है। फिर वो मिट्टी और कनकर मुट्ठियों में भर भर कर आसमान की तरफ फेंकने लगा, ये ले निकल यहाँ से, चला जा, नहीं ज़रूरत मुझे तेरी, मजाक उड़ाता है मेरा। मौलवी साहब लब बींचे से देख रहे थे, उन्होंने इसे रोकने या काबू करने की कोई कोशिश नहीं की। फिर वो एकदम उनकी तरफ पलट कर बोला, तूने ये आवाज़ सुनी? वो आसमानों पर बैठा मुझ पर हंस रहा है, खूब ऊंची ऊंची आवाज़ में। फिर उसने ढूंढ कर एक पत्थर उठाया और आसमान की तरफ उछाल दिया, तू चला जा, क्यों नहीं जाता यहाँ से, जा चला जा, अकेला छोड़ दा मुझे। पत्थर उठा उठा कर फेंकते हुए उसे अचानक ही जाने क्या नज़र आ गया था कि एक जानिब नज़रें जमाए सहमे हुए अंदाज में वो पीछे को हटने लगा। वो ठोकर खा कर गिरा भी, मगर रुका नहीं और ज़मीन पर खुद को घसीटता हुआ दरख्त के तने से जा लगा। जाएं, चली जाएं, क्यों बार बार आ जाती हैं, खुदा के लिए चली जाएं। वो हाथ उठाकर हिलाता जाने किसे चले जाने को कह रहा था। मौलवी साहब ने मुड़कर देखा भी नहीं, लेकिन उन्हें कोई नज़र नहीं आया। वो बदस्तूर कहता जा रहा था, और कितना बर्बाद करेंगी मुझे, कितना सताएंगी, अब और बर्दाश्त नहीं होता, हसरत भरे लहजे में कहते उसने सर बाजू में छुपा लिया और बच्चों की तरह फूट फूट कर रोने लगा, चली जाएं यहाँ से, चली जाएं। मौलवी साहब गहरी नज़रों से उसे देखते रहे, फिर उसे रोता बिलखता छोड़कर गांव की तरफ चल पड़े। अगले दिन दर्स के बाद मौलवी साहब घर आए तो मुल्लानी जी से कहकर खाने की ट्रे तैयार करवाई, फिर उसे कपड़ों से ढककर गांव से बाहर निकल आए। दीनू तांगे वाला रोज़ की तरह सवारियां उतार कर दोपहर का खाना खाने घर को जा रहा था। मौलवी अब्दुल खालिक को तो देखा तो तांगा रोक लिया, सलाम मौलवी साहब। वालेकुम अस्सलाम, घर जा रहे हो अलमदीन? वो मुअद्दब अंदाज में बोला, जी मौलवी साहब, पर आपका इरादा किधर को है, हुक्म हो तो छोड़ आऊँ। उसकी पुरखलूस पेशकश के जवाब में मौलवी अब्दुल खालिक मुस्कुराए और कहा, क्यों जहमत करते हो भाई, मैं तो बस जो मेहमान गांव के बाहर आकर ठहरा है उसे खाना देने जा रहा हूँ। साईं की बात कर रहे हैं? उसने फिर कहा और बोला, लेकिन वो तो चला गया है। चला गया? मौलवी साहब हैरत से बोले, कहाँ चला गया? वो तो पता नहीं, पर कल शाम से उसे किसी ने नहीं देखा। मौलवी अब्दुल खालिक ने उसकी बात सुनी, फिर खुद कलामी करते हुए बोले, हैरत है, मुसाफिर के सफ़र को जंजीर करने का वक्त आ गया है और वो अभी तक भागता फिर रहा है। क्या कुछ कह रहे हैं मौलवी साहब? वो खाक भी नहीं समझा। मौलवी साहब उससे लातालुक अपनी सोच में डूबे रहे, फिर नज़र उठाकर उसके उलझन भरे चेहरे को देखा और कहा,
वो कहीं नहीं जा सकता अलमदीन, उसका सफ़र तमाम हुआ, अब वो जितना भी भाग ले उसे लौट कर यहीं आना है। अपनी बात कहकर वो वापसी के रास्ते पर पलट गए। वो बेचारा दीनू कितनी ही देर बीच रास्ते में खड़ा उनकी बात से मतलब अखज़ करने की कोशिश करता रहा। अगले दिन फिर मीर मौलवी साहब दर्स के बाद घर आए तो खाने की ट्रे बनवा कर हाथ में उठाए गाँव से बाहर आ गए, मगर आज भी उन्हें ट्रे इसी तरह घर वापस ले जानी पड़ी। तीसरे दिन भी वो ट्रे ले गए, गांव से बाहर निकल आए। वो दूर से ही उसे देख चुके थे कि दरख के पास कोई नहीं था। उनके माथे पर शकने उभर आई। आज वापसी के लिए कदम मोड़ते हुए उनके चेहरे पर तरद्दुद था। दीनू अपना तांगा लिए घर से बाहर निकल रहा था। उस वक्त सवारियां भी उसके साथ थीं। फिर भी मौलवी अब्दुल खालिक को देख कर उसने तांगा रोक दिया। कब तक इसका इंतज़ार करते रहेंगे मौलवी साहब, उसके जैसे पैरों को वापसी का रास्ता नहीं मिलता। वो भेद से बोले, तुझे क्या लगता है इलमदीन, वो यहाँ सिर्फ सूरत दिखाने आया था? उसका यहाँ आना तो अजल से तय है, अब चाहे उसके पैरों को वापसी का रास्ता ना मिले, जिसने उसकी तकदीर लिखी है वो खुद उसे हाथ थाम कर यहाँ ले आएगा। अपनी बात कहकर चलते चलते कहने लगे और दीनू एक बार फिर शशपंज में मुब्तला हो गया। किस सोच में पड़ गए दीनू, चल पड़, शामू शामे वाला वापस आना है। पीछे बैठे शख्स ने उसे टोका दिया। उसने आवाज़ें निकाली और तंगा बढ़ा ले गया। मगरिब की नमाज का वक्त हो चुका था। मौलवी साहब दुकान बंद करके बच्चों को पढ़ाता छोड़कर मस्जिद आ गए। वज़ू के लिए अजान थी, फिर बाजमात नमाज की इमामत करवाई और दुआ मांग कर तस्बीह के ताने गिराते घर की तरफ चल पड़े। 14-15 साल का लड़का भागता हुआ आया। मौलवी साहब चिल्लाता उनके पीछे आया। मौलवी साहब ने सुना तो रुक गए और पलट कर इसे देखने लगे। वो करीब आए तो पूछने लगे, क्या बात है मुनव्वर अली? वो उथल पुथल सांसों के बीच में जल्दी में बोला, दीनू तांगे वाला आपके मेहमान के साथ हकीम जी की दुकान पर बैठा है, उसने कहा कि आपको खबर कर दूँ। मौलवी अब्दुल खारिक हैरान रहने लगे, मेरा मेहमान कौन हो सकता है और अलमदीन को कहाँ मिल गया? वो तो पता नहीं मौलवी साहब। अच्छा ठीक है, मैं जाकर देखता हूँ, उन्होंने कहा और हकीम जी की मतब की तरफ चल पड़े। उनकी पहली नज़र अलमदीन के चेहरे पर पड़ी, दूसरी लकड़ी के बेंच पर, आंखें ब्लेटे साई पर जिसके छालों पर हकीम जी मरहम लगा रहे थे। मौलवी साहब तेज़ी से आगे आए, ये तुम्हें कहाँ मिल गया अलमदीन? गाड़ी लारे अड्डे पर सवारियों का इंतज़ार कर रहा था कि ये मुझे टिकट घर की दीवार के साथ पड़ा हुआ नज़र आया। पास जाके देखा तो बेहोश था और बदन ऐसे कांप रहा था कि हाथ ना लगाया जाए। बस मौलवी साहब, फिर मैंने उसे जैसे तैसे करके तांगे में डाला और गांव पहुंचते ही सीधा हकीम जी के पास ले आया। ये तुमने बहुत अच्छा किया, वो उसके चेहरे को देखते हुए अलमदीन से बोले, जो इस सादा से जुमले पर ही फूलकर कुप्पा हो गया। फिर उसके बहुत कहने के बावजूद भी मौलवी अब्दुल खालिक ने उसे हकीम जी की फ़ीस नहीं देने दी और ख़ुद अपनी जेब से पैसे निकाल कर गुल्लक पर बैठे शख्स को थमा दिए। ये दवा 3 टाइम से खिला देना, चलते हुए हकीम जी ने पुड़िया में बंद सफूफ उन्हें देकर कहा। मौलवी साहब ने पुड़िया लेकर उन्हें मकाम तक पहुंचाया और फिर साईं को बेहोशी की हालत में ही उठाकर दीनू के तांगे में डालकर अपने घर ले आए। शाम के साए गहरे होने लगे और अंधेरा फैलने लगा। मौलवी अब्दुल खालिक अंदर से छोटा टेबल उठाकर ले आए, उसके सरहाने रखकर मिट्टी के तेल डालने लगे।